आप में से बहुत सारे लोग हरिद्वार घूमने जरूर गए होंगे और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हरिद्वार में सभी जगह घूम नहीं पाते और इसके मुख्य तीन कारण हैं, कम समय का होना, खर्च ज्यादा बढ़ जाना और साथ ही आपको सही जानकारी घूमने की न होना। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज हरिद्वार के संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ, वो भी मात्र एक दिन में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। मैं आपका होस्ट लाकड़ा और आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे पावन स्थल हरिद्वार की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे कि हर की पौड़ी कैसे जाएं, साथ ही हरिद्वार का पूरा बाजार, मनसा देवी मंदिर व चंडी देवी मंदिर, साथ ही कनखल के बारे में बताएंगे, जयराम आश्रम के बारे में बताएंगे, साथ ही रोपवे की टिकट का क्या चार्ज रहेगा, साथ ही माँ गंगा की आरती की पूरी जानकारी हम सभी को आप इस वीडियो में देंगे। वहीं आप यहाँ बस, ट्रेन, फ्लाइट या कार या बाइक के द्वारा आप हरिद्वार कैसे पहुँचे, साथ ही यहाँ के होटल्स, धर्मशाला और पार्किंग के बारे में भी मैं आप सभी को इसमें बताने वाला हूँ और हरिद्वार में बेस्ट फूड आप खाना कहाँ खा सकते हो, ये सब जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार उत्तर भारत का सबसे पावन स्थान है। यहाँ पर आप साल के 12 महीने जा सकते हैं। यहाँ पूरे साल देश विदेश से दर्शन करने हेतु श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें हरिद्वार कैसे पहुँचा जाए, तो आप यहाँ पर बाइक, कार, बस, ट्रेन और फ्लाइट के द्वारा आप यहाँ पर हरिद्वार पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्लाइट की। हरिद्वार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जौली ग्रैंड एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी हरिद्वार से लगभग 41 किलोमीटर की है। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बात करें किराए की, तो लगभग 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का चार्ज करके टैक्सी आपको हरिद्वार तक ड्रॉप कर देगी। तो दोस्तों, बात करें दिल्ली से फ्लाइट टिकट की, तो लगभग 2670 रुपए से लेके आपको 7000-8000 रुपए तक की आपको टिकट देखने को मिल जाती है। ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाई ट्रेन। रेल की कनेक्टिविटी संपूर्ण भारत से हरिद्वार की जुड़ी हुई है। हरिद्वार शहर में ही रेलवे स्टेशन अंदर बनाया गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको सामने बिल्कुल बस अड्डा भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी रहेगी रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको रिक्शा फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। ई रिक्शा आपका 20 से 30 रुपए का पर पर्सन का चार्ज लेकर आपका हरिद्वार तक आपका ड्रॉप कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली से हरिद्वार तक रेल टिकट के बारे में। आपको बहुत सारी ट्रेनें दिल्ली से आपको देखने को मिल जाती है, जैसे मसूरी एक्सप्रेस वे, दून शताब्दी एक्सप्रेस वे, देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस वे और भी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टिकट की। जनरल क्लास का टिकट का चार्ज लगभग 145 रुपए से लेकर 170 रुपए के बीच में रहेगा। वहीं बात करें स्लीपर क्लास की, तो 210 रुपए से लेकर और 250 रुपए तक का चार्ज रहेगा। वहीं बात करें दोस्तों थर्ड क्लास के एसी चार्ज की, लगभग 410 से लेकर 550 के बीच में टिकट का चार्ज रहेगा। वहीं सेकंड क्लास की टिकट का चार्ज 710 रुपए से लेकर 820 रुपए तक का रहेगा। फर्स्ट क्लास एसी का चार्ज जो रहेगा वो लगभग 1120 रुपए से लेके और 1510 रुपए तक का चार्ज रहेगा। इन सभी ट्रेनों में यह टिकट का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाई रोड। दिल्ली से लगभग 221 किलोमीटर की दूरी रहेगी हरिद्वार की। वहीं चंडीगढ़ से लगभग 238 किलोमीटर की दूरी रहेगी हरिद्वार की। साथ ही बात करते हैं देहरादून से, तो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी रहेगी और नैनीताल से लगभग 234 किलोमीटर की दूरी रहेगी हरिद्वार की। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली के ISBT या आनंद विहार से आपको बहुत सारी ऑर्डिनरी बस, वोल्वो बस, सेमी स्लीपर बस और स्लीपर बस आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। वहीं बस की टिकट की बात करें, तो लगभग 210 रुपए से लेकर और आप 1700 रुपए तक का आप टिकट यहां पर आप बस का ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाई कार। आप यहां पर अपनी कार के द्वारा या अपनी बाइक के द्वारा आसानी से आप यहां पर पहुंच सकते हैं दिल्ली से। काफी खूबसूरत रोड यहां पर आप देख सकते हैं और साथ ही इस जर्नी को दिल्ली से बाई कार करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। वहीं आपको कहीं कहीं हल्का फुल्का ट्रैफिक का भी सामना आपको इस बाई रोड जर्नी में करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप अपनी बाइक आ रहे हैं, तो आपको दिल्ली से हरिद्वार तक आपको 4 टोल देखने को मिल जाते हैं। वन साइड के टोल आपको 420 रुपए का रहेगा। सेम डे ही आप ये जर्नी आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको लगभग 620 रुपए का टोल
लगेगा। साथ ही यदि आप 2 दिन में यह जर्नी कंप्लीट करते हैं तो लगभग 850 का टोल आपका रहेगा दोनों साइड का। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीएनजी और पेट्रोल की। पेट्रोल पंप आपको दिल्ली से हरिद्वार तक बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, इसकी कमी आपको कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों सीएनजी की। लगभग दिल्ली से हरिद्वार के बीच में आपको 21 सीएनजी पंप देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में 74.91 का प्राइस रहेगा सीएनजी का, वहीं यूपी में अलग अलग रहेगा। लार्ज सीएनजी पंप यूपी का आपको मुजफ्फरनगर में देखने का मिल जाता है, जिसका चार्ज वहां पर सीएनजी का 88.91 रुपीज रहेगा सीएनजी का। साथ यदि आप अपनी गाड़ी में सीएनजी उत्तराखंड में फिल करवाते हो तो लगभग 95 रुपए का चार्ज रहेगा। 102-103 रुपए तक का भी किसी किसी सीएनजी पंप पे आपको चार्ज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप बाइक कार द्वार पहुंचते हैं तो आपको 2 पार्किंग देखने को मिल जाती है। एक भूमि जिला पार्किंग रहेगी आपके लिए वहां पर सुविधा, दूसरी आप यहां पर ओपन पार्किंग रहेगी जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग चार्ज बताएं तो बहुमंजिला में आपका लगभग 100 रुपए का चार्ज रहेगा 8 घंटे का। वहीं यदि आप ओपन पार्किंग में अपनी कार पार्क कर रहे हैं तो आपका 90 रुपए चार्ज रहेगा 12 घंटे का। तो चलिए दोस्तों अब आप पहुंच गए हरिद्वार, तो अब पहुंचने के बाद सबसे पहले बात करते हैं यहाँ रुकने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं, होटल्स और आश्रम भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बात करें दोस्तों धर्मशाला की, तो आप मेन हरिद्वार बाजार में भी बहुत सारी धर्मशालाएं देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर भी आप देख सकते हैं, वही हरिद्वार मोतीचूर रोड पर भी आप बहुत सारी धर्मशाला देख सकते हैं। धर्मशाला का चार्ज लगभग 100 रुपए से 300 रुपए तक में आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों होटल्स की, तो हरिद्वार में आपको बहुत सारे होटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हरिद्वार के आसपास में भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं। चार्ज लगभग 500 रुपए से लेके और लगभग 6,000-7,000 रुपए तक के रूम आपको होटल में अवेलेबल हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आप वहाँ जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आश्रम की, तो हरिद्वार का सबसे बड़ा आश्रम यहाँ पर जयराम आश्रम रहेगा, जो लगभग 4 जगह बनाया गया है। काफी एकड़ में यह आश्रम फैला हुआ है और रूम इसमें लगभग 300 रुपए से लेके 1500 रुपए में काफी अच्छे रूम अवेलेबल हो जाएंगे इस आश्रम में। जयराम आश्रम के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे आश्रम आपको देखने को मिल जाएंगे। रूम का चार्ज लगभग सेम ही रहेगा सब में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रूम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमा जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर माँ मनसा देवी के दर्शन करने जा सकते हैं। माँ मनसा देवी के दर्शन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक यहाँ पर आप पैदल मार्ग के द्वारा और दूसरा आप रोपवे के द्वारा भी यह दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं रोपवे टिकट की, तो अडल्ट का टिकट चार्ज रहेगा लगभग 145 रुपए का। वहीं 2 से 4 साल के बच्चे का आपका हाफ चार्ज देना होगा। साथ ही यदि आप स्वतंत्रता सेनानी है या दिव्यांग है या विधवा या फिर 2 साल से नीचे वाले बच्चों को यहाँ पर किराए में छूट दी गई है। और बात करें समय की, तो दोस्तों ये काउंटर सुबह 5 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और बात करें रोपवे की, तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में यह कंटिन्यू यह रोपवे चलती रहती है। साथ ही दोस्तों यदि आप कंबाइंड टिकट भी लेना चाहते हैं कि मनसा देवी ट्रॉली की, बस किराए की और चंदी देवी रोपवे की भी, अब यदि आप इन सबकी टिकट लेना चाहते हो 444 रुपए पर पर्सन का चार्ज रहेगा। और यहीं से ही आपको बस के द्वारा वे चंडी तक लेके जाएंगे और वहीं से आपको रोपवे के द्वारा माँ चंडी के भी दर्शन कराएंगे। और माँ चंडी के दर्शन करने के बाद ही आपको वे बस यहाँ वापसी हरिद्वार में ड्रॉप कर देगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मनसा देवी पैदल ट्रैक की। लगभग 3 किलोमीटर का यह ट्रैक रहेगा और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के समय में यहाँ पर उस ट्रैक को कम्प्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं जहां माँ मनसा देवी के प्रसाद के लिए आप यहां पर प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों जब आप यह पैदल ट्रैक करते हैं तो आपको हरिद्वार का काफी खूबसूरत नजारा यहां से आपको देखने को मिल जाता है। पैदल ट्रैक के दौरान ही आप यहां पर छोटी बड़ी काफी सारी फूड स्टॉल्स भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम ये पैदल ट्रैक पूरा करते हैं तो आपको बहुत सारी ऊपर दुकानें देखने को मिल जाती है प्रसाद की, और जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहीं आप अपने शूज भी निकाल सकते हैं और उसके बाद ही आप माँ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। नवरात्रों के महीने में यहाँ पर आप
इस मंदिर में काफी सारी बहुत भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। साथ ही उस समय दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय भी लग जाता है। मंदिर के मुख्य गृह में कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर की वीडियो हम आप सभी को दिखा नहीं सकते। तो मनसा देवी यात्रा पूरी करने के बाद हमें वापसी ही रोपवे टिकट काउंटर के पास जाना हुआ। वहीं से ही आपको अगली माँ चंडी देवी की यात्रा करनी होगी। वहीं से आपको, यदि आपको मेन टिकट लेते हैं, तो आपको बस की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको चंडी देवी रोपवे तक लेके जाएगी और रोपवे के द्वारा ही माँ चंडी के दर्शन करने जा सकते हैं। यदि आप वहाँ से पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। हालांकि मनसा देवी से चंडी देवी का जो पैदल ट्रैक है वो थोड़ा कठिन रहेगा, तो आप ये देख लीजिए कि आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं या रोपवे से। तो आप ये यात्रा रोपवे के द्वारा करेंगे तो आपका समय भी काफी बच जाता है। तो जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो मनसा देवी की तरह ही आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती है। प्रसाद की दुकानों के साथ में ही आप अपने चप्पल जूते नीचे निकाल सकते हैं। उसी के बाद आप माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही यदि आप यह यात्रा रोपवे के द्वारा कर रहे हैं तो आपको लगभग 2 घंटे के समय में आप दोनों ये मंदिरों के दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो आप सुबह सुबह आप हर की पौड़ी पर माँ गंगा के स्नान कीजिए और उसी के बाद यहाँ पर दर्शन कीजिए, और इन दोनों के दर्शन करने के पश्चात आप जा सकते हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है कनखल। कनखल में राजा दक्ष का मंदिर बनाया गया है। दक्षेश्वर माँ देव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यह मंदिर। काफी खूबसूरत यह मंदिर बनाया गया है। वहीं साथ ही आप हरिद्वार से बैटरी रिक्शा ऑटो के द्वारा आप कनखल पहुंच सकते हैं। चार्जेस लगभग आपके 50 से 100 रुपए के बीच में रहेंगे। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है, और साथ ही आप यहां पर काफी सारी मंदिर के एंट्रेंस पर ही दुकानें देख सकते हैं। मंदिर काफी सुंदर और बड़ा बनाया गया है। हरिद्वार आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर कनकल में राजा दक्ष का मंदिर देखने के लिए, तो कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। मंदिर के साथ में ही माँ गंगा भी यहाँ पर बहती रहती है। वहाँ भी आप बैठकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो लगभग आप यहाँ पर 40-45 मिनट का समय यहाँ पर आप मंदिर में दे सकते हैं। वहीं कनकल में और भी काफी सारे मंदिर हैं, वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कनखल के दर्शन करने के बाद वापसी चलते हैं हरिद्वार। तो दोस्तों, जैसे ही आप हरिद्वार रिटर्न पहुंचते हैं तो यहाँ आप घूमिए लोकल। किसी भी रिक्शा या ऑटो वाले से बोलिए कि हमें यहाँ पर लोकल घूमना है, तो वो आपके यहाँ पर लोकल जितने भी मंदिर और घूमने के स्थान होंगे वहाँ पर आपको ले जाएगा, और लगभग 2-3 घंटे में आपके सभी स्थान कंप्लीट करा के वापस आपको वहीं आपको ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हरिद्वार के फूड्स की। आपको यहाँ पर छोटी मोटी स्ट्रीट फूड से लेकर और बहुत बढ़िया लग्जरी फूड्स भी आपको खाने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चोटी वाले का खाना भी खा सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर, तो दोस्तों यदि आप पूरियों का भी आनंद लेना चाहते हैं तो मोहन पूरी वाले के यहाँ भी आप यह आनंद उठा सकते हैं। तो आप यदि आप लोकल ढाबों का या स्ट्रीट फूड का भी आनंद लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद ही आप जाइए यहाँ से हर की पौड़ी। तो दोस्तों, हर की पौड़ी पर जैसे ही हम पहुंचते हैं आपको नहाने के लिए यहाँ पर स्नान घाट देखने को मिल जाता है। काफी सारे यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, साथ ही माँ गंगा को क्रॉस करने के लिए भी काफी सारे लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं। स्नान घाट के साथ में ही महिलाओं के चेंजिंग रूम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर की पौड़ी के साथ में ही आप यदि यहाँ पर अपने बाल उतरवाना भी चाहते हैं तो नाई की सुविधा भी यहाँ पर काफी सारी दी गई है। नाई की स्टॉलों के साथ पीछे ही आप यहाँ पर बैठे गए पंडितों के भी स्टॉल यहाँ पर देखने गए हैं, जिसे हम अपनी भाषा में पंडे बोलते हैं। यदि आपकी भाषा में और कुछ बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन पंडों के पास में ही आपका पूर्वजों का लेखा जोखा लिखा हुआ मिलता है। साथ ही यदि आप यहाँ पर छोटी बड़ी पूजा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर पंडितों की भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं माँ गंगा की आरती के दर्शन। माँ गंगा की आरती सुबह 5 बजे शुरू होती है गर्मियों में, वही यदि सर्दियों की बात करें तो 5:30 बजे का समय रहता है माँ गंगा की आरती का। शाम की बात करें तो शाम के 7 बजे गर्मियों में समय रहता है माँ गंगा की आरती का, वही सर्दियों में 6:30 बजे का समय रहता है माँ गंगा की आरती का।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं माँ गंगा की आरती। जय माँ गंगे। साथ ही दोस्तों माँ गंगा की आरती देखने के बाद में ही आप यहाँ के मेन लोकल बाजार में घूम सकते हैं, जो हरकी पौड़ी से शुरू होकर अपर रोड से रेलवे स्टेशन तक यह बाजार आपको देखने को मिल जाता है। काफी बहुत बड़ा बाजार है, इसी में आपको बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। खाने से लेकर कपड़े खरीदने तक की आपकी फैसिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के दौरान आपको हरिद्वार की छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि दोस्तों मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे अवश्य लिखिएगा। और जो मेरे नए आए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। मैं आप सभी के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय माँ गंगे।